हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं सिग्नल सिस्टम के प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर गेट, पीएसयू एंड ईएससी। ठीक है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो पहली वीडियो से। इस वीडियो हम करने वाले हैं कंटिन्यूस टाइम सिस्टम के क्वेश्चंस। ठीक है, तो हर वीडियो में हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप फ्रीली कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम्स विद इनपुट एक्स टी एंड आउटपुट वाई टी। सिस्टम्स आर S1, S2, S3, टाइम इनवेरिएंट। देखो टाइम इनवेरिएंट के लिए S1 जो है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर टी है, यहाँ पे टी के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया। ठीक है, कुछ तो स्केलिंग नहीं किया है ना, कोई इनपुट के बाहर फंक्शन है टाइम का, तो ये टाइम इनवेरिएंट होगा। ठीक है, सेकंड देखो यहाँ पे फंक्शन आ गया टाइम का, टी स्क्वायर आ गया इनपुट से बाहर, तो ये होगा टाइम वेरिएंट। थर्ड में देखो यहाँ पे देखो टी का स्क्वायर आ गया, तो येगा टाइम वेरिएंट। और इसी तरह देखो टी टी के साथ माइनस मल्टीप्लाई आ गया, तो येगा टाइम वेरिएंट। तो टाइम इनवेरिएंट ओनली S1 है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी माइनस इनफाइनाइट से -2t बाई टी। सिस्टम विल बी, देखो ये हमने पहले भी किया था। देखो अगर इंटीग्रेशन है और लिमिट देखो यहाँ पे -2t है। ठीक है, यहाँ पे पुट करके देखो एक्स ऑफ -2t, तो टी के साथ -2 अगर टाइम वेरिएंट ही होगा ये। देखो एक ही ऑप्शन है, डी आ जाएगा, बाकी भी हम देखते हैं ये नॉन कॉजल कैसे आएगा। अब सपोज करो वाई टी जो है, मुझे वाई -1 की वैल्यू फाइंड करनी है। -1 के लिए क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से टी की वैल्यू माइनस पुट करूंगा 2 x ऑफ, देखा जाए तो यहाँ पे टाओ होना चाहिए, यहाँ पे टाओ है तो डी टाओ ना, एक्स ऑफ टाओ डी टाओ। तो मुझे -1 पे वैल्यू, आउटपुट की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे इनपुट का इंटीग्रेशन 2 तक करना पड़ रहा है, मींस -1 से भी आगे फ्यूचर तक जा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन कॉजल। ठीक है, और अनस्टेबल का मतलब कि अनस्टेबल जो हम कहते हैं कि स्टेबल कब होता है, स्टेबल का मतलब है बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। अगर मैं सिस्टम में बाउंडेड इनपुट देता हूँ, ठीक है, मेरा आउटपुट भी बाउंडेड आना चाहिए, तब मैं स्टेबल बोलूंगा। अगर मेरा आउटपुट इनफाइनाइट आ गया बाउंडेड इनपुट के लिए, तब मैं बोलूंगा अनस्टेबल। तो इस केस में अगर मैं सपोज करो जो एक्स टी है मेरा इनपुट है, उसको मैं क्या लेता हूं, यू ऑफ -t ले लो सपोज करो। ठीक है, मैंने यू ऑफ -t लिया, तो वाई टी इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से -2t यू ऑफ -t dt। ठीक है, अब मैं फाइंड कर रहा हूँ वाई जीरो की वैल्यू, तो माइनस इनफाइनाइट से 0 u(-t), तो ये 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो इनफाइनाइट आ जाएगी। इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन करूंगा माइनस इनफाइनाइट 0, तो ये तो अनबाउंडेड आ गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ठीक है, ऐसे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज। सबसे पहले देखो डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे डेरिवेटिव आ गया। डेरिवेटिव क्या होता है, डायनामिक होता है, वो देखते हैं क्यों। डेरिवेटिव ऐसा नहीं होता कि उसी पॉइंट पे डिपेंड करता है। अगर सपोज करो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि वाई टी जो है वो डेरिवेटिव है एक्स टी का, हमारा ऐसा सिस्टम है कुछ। ठीक है, तो अगर हमें डेरिवेटिव की डेफिनेशन पता है कि किसके इक्वल होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एक्स टी प्लस एच माइनस एक्स ऑफ टी डिवाइडेड बाय एच। तो देखो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ टी माइनस एच डिवाइडेड बाय एच, ये भी पॉसिबल है ना। ये हो गया, सॉरी ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एक हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना। तो अगर मैं इससे निकालूं, अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है डिफरेंशिएशन, तो ये पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करके, मतलब इसमें ये डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज है, अगर मैं इसको देखूं, इसमें भी है कि कॉजल होता है नॉन कॉजल होता है, तो अगर मैं इसको देखूं ओनली, अगर डेरिवेटिव वाले सिस्टम को देखूं, तो ये फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर मैं इसके हिसाब से देखेंगे तो ये नॉन कॉजल हो गया। अगर हम इसको देखेंगे, ये पास्ट इनपुट है प्रेजेंट इनपुट है, तो ये कॉजल हो गया। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि हम
कोजल और नॉन कोजल में ये भी होता है कि जो सिस्टम हम प्रैक्टिकली रियलाइज कर सकते हैं उसको कोजल बोलते हैं, नॉन कोजल सिस्टम हम प्रैक्टिकली रियलाइज नहीं कर सकते, तो डेरिवेटिव हम कर सकते हैं, तो इसके लिए हम इस हिसाब से कोजल बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो ये समझ आ गया, डायनेमिक हो गया। और ये क्या है, नॉन लीनियर, बिकॉज यहाँ पे वाई टी और वाई का डबल डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई आपस में साथ में, तो ये हो गया नॉन लीनियर, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। और टाइम वेरिएंट क्यों है यहाँ पे, देखो टी इसकी वजह से, ठीक है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द आइडियल डायोड इन द सर्किट, इनपुट एक्स टी है, आउटपुट वाई टी है, तो ये कोजल होगा। देखो कोजल तो होगा, ये हमेशा प्रेजेंट पे डिपेंड करेगा कि प्रेजेंट मेरी इनपुट जो है, अगर एक्स टी जो है 0 से ज्यादा है तो आउटपुट उतना ही आ जाएगा, 0 से कम है तो आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, तो कोजल तो है, मतलब बी ऑप्शन खत्म। सेकंड, अगर मैं आउटपुट बनाऊं, वाई टी किसके इक्वल आएगा, वाई टी मेरा एक्स टी के इक्वल है अगर एक्स टी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मेरा वाई टी 0 आएगा अगर एक्स टी जो है लेस देन 0 है ना, डायोड की ये तो कंडीशन होती है। सबसे पहले देखें कि नॉन लीनियर है, ये नॉन लीनियर आएगा, कैसे आएगा, देखो डेफिनेशन क्या होती है लीनियर की, अगर मैं कोई एक इनपुट देता हूँ, सपोज करो मैंने X1T दिया, वो दिया 2 वोल्ट, तब मेरी आउटपुट डायोड ऑन हो जाएगा, मेरी इनपुट वाई टी जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए एक्स टी के इक्वल ही आ जाएगी 2 वोल्ट। सपोज करो मैंने X2T एक दोबारा इनपुट दी, मैंने दिया -1 वोल्ट, तो मेरा आउटपुट जो आया Y2T डायोड ऑन नहीं होगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, सपोज करो मैं एक ऐसी इनपुट देता हूँ एक्स टी जो कि इक्वल है X1T + X2T का सम, यानी कि 2 - 1 यानी कि 1 वोल्ट, तो मेरा आउटपुट आएगा जो वाई टी आएगा 1 वोल्ट, अगर मैं इनपुट दे रहा हूँ तो आउटपुट ही 1 वोल्ट आ रहा है, तो क्या ये इसके इक्वल है Y1T + Y2T, नहीं, बिकॉज Y1T2 + 0 2 वोल्ट, तो मतलब ये जो Y2 Y T है Y1T + Y2T के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये नॉन लीनियर आ जाएगा, तो ऑप्शन ए भी खत्म। और टाइम इन वेरिएंट आएगा, बिकॉज उसी टाइम पे डिपेंड कर, क्योंकि टाइम के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं की हुई है ना, कि अगर हम इनपुट में टाइम डिले कर देंगे उतना ही आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय वाई टी, तो देखो नॉन कोजल आ जाएगा, सपोज करो मुझे वाई टू की वैल्यू फाइंड करनी है, टी की वैल्यू 2 है तो एक्स टी की वैल्यू 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 2 टाइम पे इनपुट डिपेंड कर, आउटपुट डिपेंड कर गई 4 टाइम पे इनपुट पे, मीन्स फ्यूचर, तो कोजल का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर हम बात करें लीनियर नॉन लीनियर की, लीनियर ही है बिकॉज एक्स टी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की हुई, इसका कुछ एक्स इनपुट का स्क्वायर नहीं किया, इनपुट ए की पावर एक्स नहीं है, एलन नहीं है, तो ये क्या आएगा लीनियर। और टाइम वेरिंग क्यों आ गया, क्योंकि टी के साथ हमने छेड़छाड़ कर दी, टी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, सिस्टम इन नॉन लीनियर, गलत, डेरिवेटिव है लीनियर ही है, टाइम इन वेरियंट गलत, टाइम वेरियंट है बिकॉज यहाँ पे ई की पावर माइनस टी, एक्स टी से बाहर फंक्शन आ गया टी का, सिस्टम इज स्टेबल नो, अनस्टेबल हो सकता है डेरिवेटिव, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अब करो एक्स टी जो है वो यू ऑफ टी है, ठीक है, तो डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो वाई टी जो आ जाएगा वो इम्पल्स आ जाएगी। अब मेरा इनपुट बाउंडेड था, मेरी जो आउटपुट आई वो बाउंडेड नहीं आई, अब मैंने ई माइनस टी को कंसिडर नहीं किया, ठीक है, मैं ओनली ओनली डेरिवेटिव को बता रहा हूँ, तो ये अनस्टेबल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अनबाउंडेड है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है टी पे, और सिस्टम हैज मेमोरी, मेमोरी है, यस, डेरिवेटिव का हमने देखा ये पहले कि मेमोरी होती है इसमें, बिकॉज इसमें प्रेजेंट फ्यूचर या पास्ट पे डिपेंड कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट डायरेक्टली मैच्ड, सबसे पहले है अनस्टेबल सिस्टम, तो इसका हम वही लैपलेस, लैपलेस ले लो है ना, लैपलेस से आगे पढ़ोगे कि वो S(YS - 0.1YS) = XS, तो हमारा इंपल्स रिस्पांस जो आ जाएगा वो आएगा 1/S - 0.1, तो राइट हैंड साइड पोल आ गया, तो अनस्टेबल है, तो ये बात तो सही है।
करेक्टली मैच्ड है बट नॉट पूछा ना। सेकंड नॉन लीनियर, ये गलत है। देखो ये लीनियर, देखो इसका कोई स्क्वायर नहीं है, कोई भी इनपुट आउटपुट आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, इनपुट और आउटपुट का जो डिफरेंशिएशन है वो मल्टीप्लाई नहीं है। देखो वाई टी अकेला है, एक्स टी अकेला है, तो ये लीनियर सिस्टम है, तो ये अपना गलत है, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नॉन कॉजल सिस्टम ये सही है, बिकॉज टी की वैल्यू जीरो पुट करो, फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है ना इनपुट की, तो नॉन कॉजल है, ये बात सही है। नॉन डायनेमिक सिस्टम ये गलत है, देखो हाँ ये सॉरी सही है, नॉन डायनेमिक मेमोरी लेस हो गया ना, तो वाई जीरो एक्स जीरो पे डिपेंड कर रहा है, वाई वन एक्स वन पे डिपेंड कर रहा है, तो ओनली प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये नॉन डायनेमिक यानी कि हम बोलेंगे मेमोरी लेस सिस्टम है। तो ए सी डी सही है, बी जो है नॉट करेक्टली मैच्ड है, तो ये अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही हमें लिस्ट दी है, हमें बताना है लीनियर टाइम इनवेरिएंट डायनेमिक। देखो सारे डायनेमिक तो होंगे ही होंगे बिकॉज डिफरेंशिएशन है सब में। सबसे पहले अगर मैं पी की बात करूं, डी वाई बाई डी टी वाई टी एक्स टी, स्क्वायर नहीं है कोई, आपस मल्टीप्लाई नहीं है, तो लीनियर आएगा, मतलब पी का आ सकता है वन और थ्री, ठीक है वन और थ्री। और देखो यहाँ पे अब टाइम इनवेरिएंट की बात करें, टी आ गया यहाँ पे, तो टाइम वेरिएबल आ जाएगा यानी कि थ्री आ जाएगा, पी का आ जाएगा थ्री, तो डायनेमिक तो है ही। क्यू की बात करें, देखो वाई टी मल्टीप्लाई हो गया डी वाई बाई डी टी से, तो ये क्या आ जाएगा नॉन लीनियर, टू फोर फाइव, और यहाँ पे कहीं भी टाइम जो है इनपुट या आउटपुट के फंक्शन बाहर नहीं है, तो ये टाइम इनवेरिएंट आएगा और डायनेमिक आएगा, ऑप्शन टू आ जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। आर की बात करें, फोर आउटपुट का डबल डिफरेंशिएशन, आउटपुट का डिफरेंशिएशन, आउटपुट इनपुट डिफरेंशिएशन, कहीं भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो ये लीनियर ही आएगा, ऑप्शन वन आ जाएगा, क्योंकि एक ही बचा लीनियर, और टाइम टाइम का फंक्शन भी नहीं है कहीं बाहर इनपुट या आउटपुट से, तो टाइम इनवेरिएंट भी आ जाएगा, डायनेमिक तो है ही, ये आ जाएगा वन। और एस की बात करें, आउटपुट के डिफरेंशिएशन का स्क्वायर आ गया, तो ऑब्वियसली नॉन लीनियर आ गया, और यहाँ पे देखो टी आ गया, तो इसकी वजह से टाइम वेरिएबल आ गया, यानी कि ये फोर्थ फोर थ्री टू वन फोर ऑप्शन ए, ठीक है। तो बस ये देख लोगे तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, लीनियर टाइम इनवेरिएंट डायनेमिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंटिन्यूस टाइम सिग्नल आर गिवन इन द फिगर बिलो, कॉन्वोल्यूशन वाई टी ऑफ द टू सिग्नल्स फॉर इंटरवल टी की वैल्यू जीरो से वन, ठीक है। तो अब देखो कॉन्वोल्यूशन की बात करें हम, जो आउटपुट आती है वाई टी वो किसके इक्वल आती है, एक्स टी कॉन्वोल्यूशन एस टी, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एच ऑफ टाउ एक्स ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मुझे हमें अगर हम ग्राफिकली देखें, एक फंक्शन को वैसा का वैसा रखना है किसी को भी, दूसरे को रिवर्स करके टाइम रिवर्सल करके शिफ्ट करना है इधर उधर, वहां से वैल्यूज आती हैं। तो इस केस में क्या है कि अगर मैं एच टी को फिक्स रखूं, एक्स टी को मूव करूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज एक्स टी जो है ये स्क्वायर है, ठीक है, एक पल्स है माइनस वन से जीरो के बीच में, एच टी में ये भी लाइन है, तो ये मिक्स है, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एच टी को वो करना, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करेंगे, एच ऑफ टाओ और मुझे एक्स ऑफ टी माइनस टाओ बनाना है, और जो टाओ की टी की वैल्यू है वो टी की वैल्यू आएगी जीरो से वन के बीच, ठीक है। सबसे पहले मुझे बनाना है एक्स ऑफ टी माइनस टाओ, तो एक्स ऑफ टी इसके इक्वल है, एक्स ऑफ टाओ किसके इक्वल आएगा, मतलब एक्स ऑफ सबसे पहले मुझे बनाना है एक्स ऑफ माइनस टाओ, ये मेरा बनेगा एक्स ऑफ माइनस टाओ, ठीक है। इसको टाइम रिवर्सल कर दिया हमने, सबसे पहले ये करना है, ये आ जाएगा वन, ठीक है, ये आ गया एक्स ऑफ माइनस टाओ। अब मुझे करना है टी माइनस टाओ, अब डिपेंड करेगा टी पे, टी अगर नेगेटिव है, अगर मुझे बनाना है टी नेगेटिव है तो ये इस साइड मूव होएगा ऐसे, एक मिनट इसको हम बनाएंगे इस हिसाब से, ये मेरा है एक्स ऑफ माइनस टाओ टाओ वन जीरो, ठीक है।
अब जो शिफ्टिंग है मींस मुझे एक्स ऑफ टी माइनस टाउ चाहिए, तो वो कैसा होगा, वो टी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि टी की वैल्यू क्या है, हम किस वैल्यू पे आउटपुट फाइंड करना चाहते हैं। अगर टी की वैल्यू नेगेटिव होगी ये इस साइड शिफ्ट होएगा, टी की वैल्यू पॉजिटिव होगी इस साइड शिफ्ट होएगा। ठीक है, अब देखो मुझे फाइंड करना है वाई टी टी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, मींस टी पॉजिटिव है तो मतलब मेरा एक्स ऑफ टी माइनस टाउ कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे टी यहाँ पे 1+3, मैंने राइट साइड शिफ्ट कर दिया टी से, ये है मेरा एक्स ऑफ टी माइनस टाउ, तो यहाँ पे एक्स जो हमारा टाइम है वो है टाउ, ये बन गया मेरा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको एच ऑफ टाउ से मल्टीप्लाई करना है और इसका इंटीग्रेशन कर देना। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको ग्राफिकली से भी कर लेते हैं और वैसे भी कर लेंगे। अब मुझे क्या बनाना है, सबसे पहले एच ऑफ टाउ, एच ऑफ टाउ यह जगह -1 से लेके 1 तक, -1 से 1, 0 यहाँ पे 1, ये है मेरा एच ऑफ टाउ। ठीक है, यहाँ पे टाउ। और अब देखो मुझे बनाना है एक्स ऑफ टी माइनस टाउ। ठीक है, ये कितना शिफ्ट करना है ये डिपेंड कर रहा है टी की वैल्यू पे। अगर टी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ये कभी भी 1 से इधर नहीं जाएगा, मतलब टी 1 से कम कम पे रहेगा, है ना, मतलब टी की वैल्यू 1 से इधर इधर ही रहेगी, मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा। ये बन गया मेरा टी, ये बन गया 1+t, ये मेरा है एक्स ऑफ टी माइनस टाउ। ठीक है, ये मैंने बना लिया, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, इसको आई थिंक मल्टीप्लाई अगर करेंगे टी वन। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट कॉमन आएगा ना ओनली, ऐसा कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई होएगा बस, और ये वाला ठीक है। अब ये है टी, ये है वन, ठीक है, इसका एरिया है वन, ये मेरा क्या है, ये मेरा है एच ऑफ टाओ एक्स ऑफ टी माइनस टाओ। ठीक है, वाई टी क्या है, इसका इंटीग्रेशन, इसका एरिया कितना आ जाएगा, ये विड्थ हो जाएगी 1-t, तो वाई टी आ जाएगा 1-t × 1। ठीक है, 1-t, इसको अगर इंटीग्रेशन से भी करना है तो ये चेक कर लो बस, यहाँ पे देखो जो h ऑफ टाओ है मुझे इंटीग्रेशन करना है 0 से इनफाइनाइट h ऑफ टाओ x ऑफ t माइनस टाओ। ठीक है, दोनों नॉन जीरो जो है, दोनों 1-1 है, कौन सी रेंज से, t से लेके 1 के बीच में। ठीक है, क्योंकि t से कम पे x t माइनस टाओ 0 है, और 1 से इधर, 1 से ज्यादा जो है h ऑफ टाओ 0 है, तो दोनों 1-1 आ जाएंगे d टाओ, टाउ इंटीग्रेशन आ जाएगा टी वन वन माइनस। ठीक है, दोनों तरीकों से आ जाएगा, बस ये है कि ग्राफिकली समझ लो कि कैसे होता है। सबसे बस बेसिक ये है कि एक सिग्नल को हमने वैसा का वैसा रखना है, किसी को भी रख लो, और दूसरे सिग्नल को मूव करना है, और जो मूव करना है वो थोड़ा हम सिंपल ले लेंगे। ठीक है, सब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका टाइम रिवर्सल करना पड़ेगा उस सिग्नल का, फिर उसको मूव करना है वैल्यू ऑफ टी के अकॉर्डिंग, कौन सी वैल्यू पे हमें आउटपुट चाहिए। अगर मुझे पॉजिटिव वैल्यू पे आउटपुट चाहिए तो मैं इसको राइट साइड शिफ्ट करूंगा, ठीक है, अगर मुझे नेगेटिव वैल्यूज के लिए आउटपुट चाहिए तो मैं इसको लेफ्ट हैंड शिफ्ट करूंगा। यही अगर हमसे पूछा होता कि बाई टी की वैल्यू फाइंड करो, अगर टी की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है, तब हम क्या करते, तब मैं इसको ऐसे शिफ्ट करता, इस साइड शिफ्ट करता, मतलब ये यहाँ पे था, ऐसे शिफ्ट करता जितना भी बोला होता। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फॉर एन इनपुट एक्स टी ई की पावर -2t-3 ut आउटपुट हैविंग इंपल्स रिस्पांस एच टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस
टी यू ऑफ टी, ठीक है। इसको अगर वैसे लैपलेस से करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज आगे आएगा, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सिस्टम पढ़ रहे हैं, कॉन्वोल्यूशन से ट्राई कर लेते हैं, लैपलेस से तो हो ही जाएगा। हमने जैसे पढ़ा कि वाई टी जो है वो किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स ऑफ टाओ एच ऑफ टी माइनस टाओ डी टाओ, ठीक है। अभी इसमें इसको ग्राफिकली तो करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि e की पावर t है, ये सब है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल है, तो इसको हम इसी हिसाब से करते हैं। देखो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स ऑफ टाओ क्या आएगा, e की पावर माइनस टू टाओ माइनस थ्री यू ऑफ टाओ, और एच टी माइनस टाओ क्या होगा, e की पावर माइनस टी माइनस टाओ, बस t की जगह t माइनस टाओ लिख दिया मैंने, और यू ऑफ टी माइनस टाओ डी टाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यू ऑफ टाओ है, यू ऑफ टी माइनस टाओ है, U of, ये वन कब आएगा, जब टाउ ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये वन कब आएगा, जब टी माइनस टाउ जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि अगर मैं बात करूं टी ग्रेटर देन इक्वल टू टाउ, टाउ लेस देन इक्वल टू टी, ठीक है। तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, अगर टाउ की वैल्यू जीरो से लेके, और दोनों वन होने चाहिए ना, दोनों अगर वन होंगे तो ही वैल्यू यहाँ पे नॉन जीरो आएगी, एक भी वैल्यू जीरो होगी दोनों में से, तो उस रेंज में पूरा हमारा जो वैल्यू है ये जीरो आ जाएगी। तो वो रेंज क्या है, जब दोनों वन है, टी टाउ की वैल्यू जीरो से ग्रेटर देन हो तो ये वन होगा, सही बात है, टाउ की वैल्यू लेस देन टी हो तो ये वन है, तो जीरो से टाउ की रेंज आ गई हमारे पास, जीरो से टू सॉरी सॉरी जीरो से टी की वैल्यू, तब दोनों वन आएंगे, तो ई की पावर टू टाउ माइनस थ्री ई की पावर क्या आ जाएगा, माइनस टी माइनस टाउ, ठीक है, डी टाउ। तो अभी यहां पे क्या है, कांस्टेंट क्या है, देखो ये टी वाली टर्म और थ्री वाली टर्म ये बाहर आ जाएगी इंटीग्रेशन में, बिकॉज जो वेरिएबल है हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं टाउ के साथ, तो बेसिकली मैं ई की पावर सिक्स बाहर निकाल लेता हूँ यहां से, और ई की पावर माइनस टी मैंने बाहर निकाल लिया, तो जीरो से टी ई की पावर माइनस टू टाउ, ठीक है, इंटू ई की पावर टाउ डी टाउ, ठीक है। ये स्टेप देख लो जरा, कि क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन करना है टाउ के साथ, तो मैं ओनली टाउ का फंक्शन रखूंगा यहाँ पे, बाकी जो भी है मैं बाहर निकाल लिया मैंने, ठीक है। तो ये बेसिकली आ जाएगा, ये e की पावर सिक्स e की पावर माइनस टी और जीरो से टी e की पावर माइनस टाउ डी टाउ, e की पावर सिक्स e की पावर माइनस टी, इसका इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टाउ और डिवाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस टाउ, तो माइनस वन आएगा, तो माइनस वन मैं बाहर यहीं पे लिख लेता हूँ, ठीक है। जीरो से टी माइनस e की पावर सिक्स e की पावर माइनस टी, तो अपर लिमिट ई की पावर माइनस टी माइनस ई की पावर जीरो वन, ठीक है। अब हमारा आंसर देख लो, आंसर के अकॉर्डिंग तो ई की पावर टी से माइनस ई की पावर टी से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस बाहर रखता हूँ, चलो ई की पावर टी से माइनस टी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू टी माइनस ई की पावर टी, माइनस अंदर ले जाओ ई की पावर सिक्स ई की पावर माइनस टी माइनस ई की पावर माइनस टू टी, ठीक है। तो ये इसमें ऑप्शन ए आ जाए, नहीं ए, यस थ्री है यहाँ पे ऑप्शन ए, ठीक है। ये हो गया कॉन्वोल्यूशन के मेथड से, बिकॉज हम सिस्टम्स पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम, इसलिए कौन इससे किया, नहीं तो लैपलेस आगे पढ़ लोगे, लैपलेस करोगे इजी है बहुत उससे, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, इसमें किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो भेज दीजिए, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां ज्वाइन कर लेना, वहां पूछ लेना किसी भी क्वेश्चन का डाउट, और प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू सो मच।